बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट में हड़कंप मच चुका है। आईएएस के पाठक पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। नीतीश कुमार की बात ना मानना के पाठक के लिए भारी पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर, आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार के एजुकेशन सिस्टम में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं और इन बदलावों को लेकर के चर्चाएं यही तेज है कि क्या ये बदलाव जो हो रहे हैं उसको लेकर के पाठक और नीतीश कुमार दोनों के दोनों जो है वो मिल करके काम कर रहे हैं या नहीं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि प्रदेश के मुखिया जो है वो आदेश तो पारित कर देते हैं, अपनी तरफ से आदेश तो दे देते हैं, लेकिन के पाठक उन्हें मानते नहीं है। ये सवाल आज इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि विपक्षी नेता जो है वो लगातार इसी पर ही हमला बोल रहे हैं। आपको याद होगा बीते दिन जो है स्कूल की टाइमिंग को लेकर के बवाल हुआ था, कहा यह जा रहा था कि स्कूल की टाइमिंग जो है वो बदल दिया गया है। नीतीश कुमार ने विधानसभा में खड़े होकर के भी इस पूरे मामले पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षक जो है वो 15 मिनट पहले आएंगे अपने समय अनुसार और अपने ही समय अनुसार 15 मिनट लेट जाएंगे। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एक जो है पत्र जारी हुआ और उस पत्र में स्कूलों में टाइमिंग भी लिखी हुई थी, शिक्षक कितने बजे आएंगे, कितने बजे जाएंगे। लेकिन अब के पाठक जो है वो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं और उस दौरान वो कहते हैं कि एक फर्जी पत्र वायरल हो रहा है और उस फर्जी पत्र को लेकर के हंगामा मच गया। लेकिन उस फर्जी पत्र का सच क्या है ये तो आईएएस के पाठक ने अपनी तरफ से कह दिया। उन्होंने कहा कि ये फर्जी पत्र है और इसे रेगुलेट कर दिया गया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, शिक्षकों की टाइमिंग बदलने को लेकर के दावा किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब से के पाठक ने ये बयान दिया है उसके बाद से हड़कंप मच चुका है, सियासी खेमे में बवाल मचा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक तरफ कहते हैं स्कूल की टाइमिंग बदलेगी, दूसरी तरफ के पाठक कहते हैं कि ये तो फर्जी पत्र है, इसको ना माने। अब ये दो पेज फंस चुके हैं, ये दो पेज का इस्तेमाल कर रही है आरजेडी। आरजेडी के नेताओं की तरफ से बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। इसी बीच में विधायक की तरफ से एक बड़ा बयान आया। आरजेडी के विधायक ने कहा कि आईएएस के पाठक जो इस तरीके की बातें करते हैं कि फर्जी पत्र वायरल हुआ और तमाम चीजें कहते हैं, तो उन्हें नीतीश कुमार का याद करना चाहिए। जब नीतीश कुमार ने कहा था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम बहुत सारे बदलाव करेंगे और उस बीच में उन्होंने टाइमिंग को लेकर के भी बात की थी, क्या प्रदेश के मुखिया की बात आईएएस के पाठक नहीं मान रहे हैं? क्या के पाठक उनकी बात नहीं मान रहे हैं? यही वजह है कि नीतीश कुमार का कोई वजूद नहीं है। उनका यह भी कहना था कि नीतीश कुमार इतने कमजोर हो चुके हैं और एक मुखिया के तौर पर वो शोभा देते ही नहीं है, वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि अब कोई अधिकारी उनकी बात भी नहीं मान रहा है। इन सबको एक तरफ रख करके जो है विधायकों की तरफ से ये भी कहना था कि नीतीश कुमार की बात ना मानने की वजह से उनकी अवमानना हो रही है, इसीलिए के पाठक पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि आरजेडी की तरफ से उठाया गया ये सवाल आगे चल करके किस रूपरेखा को जन्म देगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए महुआ खबर।